गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल अर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज का टॉपिक जो है हीट ट्रीटमेंट से ही रिलेटेड है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने जाना कि स्टील का आंतरिक संरचना कैसे बदलता है, ठीक है, तो वो हम लोग जान लें। तो आज हम लोग जानते हैं कि हीट ट्रीटमेंट में लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। अब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में अंतर क्या है, होता क्या चीज़ है। तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने जाना कि स्टील को जैसे हम हीट करते हैं तो उसमें जो है अंदरूनी संरचना जो है वो चेंज होता है, जिसका अलग अलग नाम है। तो अब यहाँ पर है लो अपर और लोअर, तो इसमें क्या होता है, जब कोई स्टील को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग हीट कर रहे हैं स्टील का पीस को, तो अंदर का जो संरचना है वो हम लोग जान रहे हैं कि चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर से ये, जैसे मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वहां से क्या होता है कि अंदर का स्ट्रक्चर वो चेंज करने लगता है, ठीक है। उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जब ये 100 डिग्री पहुंच जाता है तब उसका अंदर का चेंज होने लगता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। इस टेम्परेचर में क्या हो रहा है कि हमारा संरचना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखेंगे हम लोग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है कि अब यहाँ से शुरू हुआ हम लोग का चेंज होना, तो अब जब हीट करते करते टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उसका चेंज हो रहा है, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि यहाँ पर जा करके हम लोग को रुकना होगा, ठीक है। तो जिस जगह टेम्परेचर मान लिया जाए 200 डिग्री सेंटीग्रेड, अब 200 डिग्री तक जा करके वहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच करके स्ट्रक्चर उसका चेंज होना बंद हो गया, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। लोअर क्रिटिकल जहाँ से ये चेंज होना शुरू करता है, अपर क्रिटिकल जहाँ पर ये चेंज होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लोअर क्रिटिकल और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन रेंज। अब ये जो जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ऊपर में 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये दोनों भी इसके बीच में जो आता है वो हम लोग का हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, स्टील को हम लोग हीट कर रहे हैं वो बदल रहा है, उसका आंतरिक संरचना बदल रहा है, तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेंज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब हीट ट्रीटमेंट का स्टेज कौन कौन सा है, ठीक है। ये जो हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं कितने स्टेज में हम लोग इसको करते हैं, इसका तीन चरण होता है। पहला होगा हीटिंग, हीटिंग हो जाएगा, इसके बाद
सोकिंग एंड तीसरा हो जाएगा क्वेंचिंग। हीटिंग, सोकिंग और क्वेंचिंग, ये तीन प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट करने का। अब हीटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि स्टील का जो पार्ट्स है उसको हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करके उसका स्ट्रक्चर, आकार और साइज पर हम लोग, हीटिंग उसका आकार साइज पर निर्भर करता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा होगा तो उसके लिए हीट ज़्यादा लगेगा। तो ये हम लोग सबसे पहले जिस भी स्टील का पार्ट्स या पीस होगा उसको हम लोग हीट करते हैं। अब हीट करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हम लोग हीट किए, तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में हम लोग उसको कुछ देर रोक देते हैं, कुछ देर उसको उसी टेम्परेचर में हम लोग हीट करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया हमारा सोकिंग। ऐसा नहीं कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में चला गया इसके बाद हम लोग छोड़ दिए, नहीं, उसको कुछ देर वहाँ पर हम लोग उस टेम्परेचर को स्थिर कर देते हैं और उसको हीट होने देते हैं, तो वो सोकिंग हो गया, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है कि जितना भी मॉलिक्यूल्स है उसको चेंज होने दे रहा है। इसके बाद क्या आ गया हमारा क्वेंचिंग। तो क्वेंचिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग गर्म किया हुआ लोहा को हम लोग ठंडा करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ठंडा करने का भी अलग अलग प्रोसेस है, बहुत तरह से हम लोग स्टील को या लोहा को हम लोग ठंडा करते हैं। तो ये क्वेंचिंग जो हुआ वो हुआ कि सडनली, यानी कि तुरंत हम लोग गर्म किए और उसको ठंडा कर दिए, ठीक है। तो अब क्वेंचिंग बहुत तरह से हम लोग करते हैं, जैसे ठंडा पानी में, हवा में, या तो फिर तेल में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेंचिंग प्रोसेस हो गया। तो ये तीन प्रोसेस से हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक लेके आएंगे, तब के लिए धन्यवाद।